तो अब क्या इसमें दे रख, हमें इसमें क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है. फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी साइन ओमेगा टी जीरो टू टी, मतलब जीरो से ले आपकी टी की वैल्यू कहाँ होगी, जीरो से लेके पाई बाई ओमेगा तक होगी, तो उसका वैल्यू क्या होगा, साइन ओमेगा टी जीरो होगा व्हेन पाई पाई बाई ओमेगा इज लेस देन टी इज ग्रेटर देन पाई बाई ओमेगा एंड लेस देन टू पाई बाई ओमेगा. ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है कि एक साइनोसॉइडल सॉरी पीरियोडिक फंक्शन है. कैसे, यहां पे अगर वन पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, साइन टी जीरो टू टी पाई जीरो पाई से लेके टू पाई. ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा बन रहा है, आपको एक पर्टिकुलर एक विंडो आपको दे दिया है, एक टाइम पीरियड दे दिया आपको, क्या मतलब जीरो से लेके पाई तक ये ग्राफ मिल रहा है, और उसके बाद क्या मिल रहा है आपको, पाई से लेके टू पाई तक आपको क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर विंडो दे दिया कि जो आपका ये है ना, ये ग्राफ आपका बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो यहां से आप खुद से ग्राफ कंप्लीट कर लोगे, तो ये क्या इनफाइनाइट तक चला जाएगा आपका. ठीक है, तो ये इस तरह से आपका ग्राफ रिपीट हो रहा है. तो अगर इस तरह का कोई भी पीरियोडिक फंक्शन दे रखा हो तो आपको क्या करना होगा, क्या कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, जो मैंने आपको पीरियोडिक फंक्शन वाला फॉर्मूला बताया था वो फंक्शन यहाँ पे क्या करना होगा, आपको अप्लाई करना होगा. ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे जो आपका एफ ऑफ टी दे रखा है, इसका टाइम पीरियड क्या दे रखा है, इसका इसके टाइम पीरियड क्या दे रखा है बताओ, टी इक्वल्स टू क्या दे रखा है, कहां से कहां तक आपका वेव फॉर्म कहां से कहां के मतलब कहां से कहां तक रिपीट हो रहा है, जीरो से लेके टू पाई. ठीक है, जीरो से लेके जो टू पाई तक जो विंडो होगा वो बार बार आपकी क्या होगी, रिपीट होगी. तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा आपका, टू पाई बाई ओमेगा, यही होता है टाइम पीरियड. तो आपको किसका लाप्लास निकालना हो, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या हो जाता था, वन अपॉन वन माइनस ई टू पावर एस टी जीरो टू टी ई टू पावर एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी, राइट, यही होता था. अब क्या करोगे इसमें, अब जो भी चीजें दे रखी है फॉर्मूले में पुट कर दो. देखो वन अपॉन वन माइनस ई टू पावर एस और टी की वैल्यू क्या थी, टू पाई अपॉन ओमेगा. ठीक है, जीरो टू टू पाई बाई ओमेगा ई टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी, राइट, समझ गए. अब देखो अब आपको क्या करना है, इससे तो आप एज इट इज लिख दो. ठीक है, अब इससे आप ब्रेक कर सकते हो, मैंने आपको बताया था कि आप मतलब आप क्या कर लिमिट को ब्रेक कर सकते हो. तो क्या लिख दो, जीरो से लेके पाई बाई ओमेगा, उस वक्त आपकी वैल्यू एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है, साइन ओमेगा टी माइनस ई टू पावर एस टी डी टी. ठीक है, उसके बाद पाई पाई बाई ओमेगा से लेके टू पाई बाई ओमेगा, उस वक्त क्या वैल्यू, जीरो है आपकी. ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको, यहां तक समझ में आ गया, हम लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं. अल्टीमेटली हमें क्या करना है, फाइनली जीरो टू टू पाई बाय ओमेगा लिमिट लेनी है हमें, हमारा लिमिट हो गया जीरो से लेके टू पाई बाय ओमेगा. मैंने इस लिमिट को ब्रेक कर दिया, कैसे ब्रेक करते हैं मैंने पहले आपको बता रखा है, राइट. अब देखो अब इसे क्या करेंगे हम, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने आपको बताया था जब हम साइन का डेरिवेशन कर रहे थे, लाप्लास निकाल रहे थे, तो उस समय हम मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कौन सा फॉर्मूला था वो, लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए टी इंटू साइन बी टी डी टी, इसका फॉर्मूला होता था क्या होता था, ई टू द पावर ए टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी टी माइनस बी कॉस बी टी. ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे, ये जो आपका है वो ब्रेक कर देंगे. ठीक है, देखो ये वाला तो हमारा डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा. अब देखो अब क्या करना होगा, इससे आप करो तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन माइनस ई टू द पावर माइनस टू पाई एस अपॉन ओमेगा. ठीक है, इसे इस फॉर्मूले पे आपको ब्रेक करना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ए टी, आपका ए क्या है यहां पे बताओ, ए यहां पे आप क्या पुट कर दोगे, आप इस क्या करोगे,
इस फॉर्मूले को इससे कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आपकी माइनस एस है, ठीक है, ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन ए की वैल्यू क्या थी माइनस एस, तो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे बताओ, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपका ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू उसके बाद क्या हो जाएगा ए साइन बी, तो ए की वैल्यू क्या थी अगेन आपकी माइनस एस, ठीक है, साइन बी क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है, और इसकी लिमिट भी दे रखी थी तो लिमिट भी हमें पुट करनी होगी जीरो से लेके पाई बाय ओमेगा। बेसिकली ये फॉर्मूला नहीं है, जब आप इस फॉर्मेट को जब इंटीग्रेट करते हो ना तो ये रिजल्ट आता है, तो उसी रिजल्ट को यूज करके हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करके इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहां तक आ गया। अब हम क्या करेंगे लिमिट पुट कर देंगे पाई बाय ओमेगा और जीरो, ठीक है, ये तो यहां पे जो लिखा है एज इट इज हम लिख देंगे, इसमें लिमिट पुट नहीं करनी है, जो अंदर वाला है उसमें पुट करना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले एक बार हम पुट करेंगे पाई बाय ओमेगा, तो टी की जगह हम क्या करेंगे पाई बाय ओमेगा पुट कर देंगे, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस एस पाई बाय ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहां पे क्या हो जाएगा माइनस एस साइन ओमेगा अपॉन पाई बाय ओमेगा माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा इंटू पाई बाय ओमेगा, ठीक है, यहां तक कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे माइनस, अब क्या करेंगे जीरो पुट करेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा ई टू द पावर जीरो एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस एस साइन जीरो माइनस ओमेगा कॉस जीरो, यहां तक समझ में आ गया, तो यहां तक हमने कर लिया। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होता है आपका साइन पाई क्या होता है जीरो होता है, तो ये वाली टर्म तो पूरी जीरो हो जाएगी, साइन जीरो भी क्या होता है जीरो, ठीक है, तो यहां से क्या बचेगा हमारा सॉल्व कर लेते हैं वन अपॉन वन माइनस ई टू द पावर माइनस टू पाई एस बाई ओमेगा, राइट, उसके बाद क्या बचेगा देखो माइनस, या फिर मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, अब देखो बचा क्या हमारा ये तो टर्म पूरा जीरो हो गया, और कॉस पाई क्या होता है हमारा पहले लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ये कह माइनस एस ओमेगा एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा कॉस पाई, ठीक है, ये मैंने माइनस बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, राइट, इंटू ओमेगा कॉस जीरो, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या होगा, अब सिंपली इसे सॉल्व कर दो वन अपॉन ये एज इट इज लिख दोगे आप, इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस वन, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है वन, ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा ये वन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, राइट, इंटू ओमेगा प्लस यहां पे क्या बच गया ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, राइट, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या कर देना है इसे, अब सिंपली इसे आप सॉल्व कर दो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, तो जब इसे सॉल्व कर दोगे ये पूरी टर्म को तो आपको कितना मिल रहा है मैं यहां पे लिख देती हूँ, तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आपको कितना मिल जाएगा, ओमेगा को मैंने कॉमन ले लिया एस पाई ओमेगा प्लस वन 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 माइनस ई टू पावर टू पाई एस अपॉन ओमेगा एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है, समझ के आता है, तो इस तरह से हमें निकालना होगा।